हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर फॉर टेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊं ओरिको की तरफ से आने वाला AK हार्ड डिस्क एनक्लोजर। ये ओरिको की तरफ से आने वाला एक 2.5 इंचेस वाली हार्ड डिस्क या SSD के लिए एनक्लोजर है। इसका यूज करके 2.5 इंचेस वाली हार्ड डिस्क या SSD को USB के थ्रू एक्सटर्नली ऑपरेट किया जा सकता है। ये USB 3.0 को सपोर्ट करती है। इसका टूल फ्री डिजाइन है। इसकी ट्रांसफर स्पीड 5 GB/s तक की है और ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है ओरिको की हार्ड डिस्क एनक्लोजर की एक पैकिंग और ये मैट फिनिश के अंदर काफी सुंदर पैकिंग है। इसके फ्रंट में ओरिको की ब्रांडिंग है और प्रोडक्ट की फोटोग्राफ बनी हुई है। ये पैकिंग हमें बताती है कि इसके अंदर 2.5 इंचेस वाली हार्ड डिस्क या SSDs लग सकती हैं। ये USB 3.0 को सपोर्ट करती है। इसका टूल फ्री डिजाइन है और इसकी ट्रांसफर स्पीड 5 GB/s की है। ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है और इस पैकेट की बैक साइड में प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं और ये हमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट CE सर्टिफाइड है और FCC सर्टिफाइड है। इसका MRP 1199 रुपये है, मगर ऑनलाइन है 550-600 रुपये के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलेगी। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक YouTube के ऊपर ग्लिटर्स इन्फो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियो रेगुलर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक थैंक यू कार्ड मिलता है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर है। एक मिलती है इसकी यूजर मैनुअल, 2 पीस शॉप एब्जॉर्बिंग स्पंज मिलती हैं और इस बॉक्स के अंदर एक कनेक्शन केबल मिलती है और एक मिलता है 2.5 इंचेस का हार्ड डिस्क एनक्लोजर। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो आपको बता दूं कि ये हार्ड डिस्क एनक्लोजर नॉन टॉक्सिक एनवायरमेंटल ABS मटेरियल का बना हुआ है। इसका ग्रिड टेक्सचर सरफेस है जो कि इसकी लुक को एनहांस करता है और साथ साथ इसको एंटी स्किड बनाता है और ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और हाथ में लेके काफी अच्छी फीलिंग आती है और ये बिल्कुल पोर्टेबल है। इसको इजीली पॉकेट में रख के कैरी किया जा सकता है। इसके ऊपर ओरिको की ब्रांडिंग है और साथ साथ एक LED लाइट इंडिकेटर है और इसकी बैक साइड में कंपार्टमेंट है जिसको स्लाइड करके ओपन कर लिया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर हार्ड डिस्क या SSD लग जाएगी। इसके अंदर USB 3.0 फास्ट ट्रांसमिशन है जो कि पुराने वाले एनक्लोजर्स जो कि 2.0 टेक्नोलॉजी पे काम करते थे उससे कई ज्यादा फास्ट है। तो इसमें डेटा ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और इसके साथ ये जो केबल आती है ये ऑक्सीजन फ्री कॉपर वायरिंग वाली केबल है और ये केबल ऑपरेटिंग स्पीड और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सिंक परफॉर्मेंस को एनहांस करती है और काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। अब एक बारी आपको दिखाता हूं इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाकर और उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसकी ट्रांसफर स्पीड चेक करते हैं। तो इस केस के अंदर हार्ड डिस्क लगाना भी बहुत ज्यादा आसान है। इसकी बैक साइड में इसका एक कंपार्टमेंट है, इसे स्लाइड करके खोलना है और स्लाइड करके खोलने के बाद नीचे ये पोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे हार्ड डिस्क लगेगी। तो ये हार्ड डिस्क इस तरीके से इसके अंदर बस यूज जाएगी और ये अंदर प्रेस करके इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद ये रेडी टू यूज़ हो गई है। इसका एक कवर हमने लगा लेना है। इसके आगे ये केबल लगानी है जो इसके साथ आई थी, तो एक केबल भी बस इसी तरीके से इंसर्ट करनी है और अब ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो गई है। अब इस हार्ड डिस्क को मैं सबसे पहले अपने फ़ोन में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ और फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए ये OTG केबल लगानी है। तो ये इस तरीके से OTG केबल लग जाएगी और इसके बाद इस केबल को अपने फ़ोन में लगा लेना है। और अब ये केबल इसमें लगाने के बाद इसमें लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है कि ये USB स्टोरेज कनेक्ट हो गई है। और अब यहाँ पे मैं इस हार्ड डिस्क के सभी कंटेंट्स को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ और इसके अलावा इस हार्ड डिस्क में अपने फ़ोन से भी कुछ यहाँ डाल सकता हूँ। और अब एक बारी इस हार्ड डिस्क को मैं लैपटॉप में भी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं अपने विंडोज़ 11 वाले लैपटॉप के अंदर ये हार्ड डिस्क लगाऊंगा और उसके बाद चेक करते हैं कि डिटेक्ट करता है या नहीं करता। तो ये इस तरीके से USB पोर्ट में लगा दिए और लगाने के बाद यहाँ लाइट जल गई है
और इसके बाद यहाँ पे ये नई ड्राइव आ भी गई है जो कि है ड्राइव एफ। और आप देखिए सारे ही कंटेंट इसके यहाँ पे शो हो गए हैं। यहीं से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यहीं से मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, कुछ मर्जी जो मैं करना चाहूँ वो इस हार्ड डिस्क में कर सकता हूँ। और अब एक बारी इसमें एक फाइल कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं इसकी स्पीड कितनी मिलती है हमें। ये इस हार्ड डिस्क के अंदर मैं एक फाइल कॉपी करता हूँ और इसकी स्पीड चेक करते हैं। और अब जो स्पीड आ रही है ये आ रही है तकरीबन 30 Mbps की, और एक काफ़ी अच्छी स्पीड है अगर हम इंटरनल ड्राइव से एक्सटर्नल ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं USB के थ्रू। मगर कंपनी जो क्लेम कर रही है उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इसकी एक्चुअल स्पीड टेस्ट करने के लिए अब मैंने इस हार्ड डिस्क को USB 3.0 वाले पोर्ट में लगाया, और लगाने के बाद जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। और अब जो ट्रांसफ़र की स्पीड आई वो तकरीबन 100 MB/s की आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। इंटरनल हार्ड डिस्क से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में फाइल ट्रांसफ़र करते हुए अगर 100 Mbps की स्पीड आ रही है तो एक काफ़ी अच्छी स्पीड है। और अगर इसकी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो इसके अंदर हार्ड डिस्क की जगह अगर SSD लगा दी जाए तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि ये जो ओरिको का हार्ड डिस्क इंक्लोजर है ये कितनी क्विकली और कितनी फास्ट काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कितना स्पीडली होता है। ये USB 3.0 को सपोर्ट करता है, इसका एलिगेंट डिजाइन है, ये पोर्टेबल और लाइट वेट है, इसका टूल फ्री डिजाइन है, और इसके अंदर 5 Gbps तक की ट्रांसमिशन स्पीड है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये एनक्लोजर सिर्फ 550-600 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलता है। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो ये थी ओरिको के इस हार्ड डिस्क एनक्लोजर की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिटर्स इंफ्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।